पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कारगिल युद्ध को लेकर आखिरकार अपनी ओर से स्वीकार कर ही लिया कि कारगिल युद्ध भारत की पीठ पर छुरा घोंपने वाला कदम रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक समाचार चैनल पर वार्ता के दौरान इस बात को स्वीकार किया है। नवाज शरीफ ने स्वीकार कर लिया कि कारगिल युद्ध के माध्यम से भारत को धोखा दिया गया था। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हाल ही में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि कारगिल युद्ध भारत के शांति प्रयासों को धोखा देना था। हालांकि नवाज के शब्दों में शांति प्रयासों का उल्लेख नहीं था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दोनों देशों की वार्ता को लेकर किए जाने वाले प्रयासों को लेकर इसे शांति प्रयास ही कहा जाता है। उनके कहने का अर्थ था कि जो प्रयास भारत के प्रधानमंत्री ने किए थे उसे कारगिल युद्ध से हताशा की ओर ले जाया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि दोनों देशों के बीच में एक सीमा रेखा आ गई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दोस्ती को याद करते हुए शरीफ ने कहा कि वाजपेयी साहब ने इस बात की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि जनाब एक तरफ तो लॉ ऑफ डिक्लेरेंस हो रहा है और दूसरी तरफ कारगिल की मिस एडवेंचर देकर पीठ में छुरा भोंका जा रहा है। नवाज शरीफ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं, उनकी जगह मैं भी होता तो यही कहता, उनकी पीठ में वाकई छुरा घोंपा गया था। शरीफ ने मजबूरी जताते हुए कहा कि लेकिन मैं ये गिला किससे करूं अब। उन्होंने कहा कि जिस रब को आप मानते हैं उस रब को हम भी मानते हैं, उनसे ही गिला करूं। वर्ष 1999 में पाकिस्तान से एक और वार्ता का दौर जारी था तो दूसरी तरफ सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें तेज हो गई थी। इसकी परिणति कारगिल युद्ध के रूप में हुई थी। पाकिस्तान में उस वक्त प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे और भारत में उस समय एनडीए की सरकार थी जिसकी अगुवाई तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था और इसमें भारत के कुल 527 जवान शहीद हुए थे।